राजकुमार प्रहलाद, सेनापति अश्वमित्र, आप भगवान विष्णु की कृपा हो आप पर, कैसे कष्ट किया? मैं भगवान हिरण्यकश्यप के आदेश से आया हूँ आपके पास। आपका स्वागत है सेनापति, क्या संदेश लाए हैं आप? मैं ये संदेश लाया हूँ कि आप हमारे भगवान हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मान लें। यदि आपने ये मान लिया तो आपके जीवन पर छाए सारे संकट दूर हो जाएंगे। ये अभी तो संभव है कि आप और आपके सम्राट मेरे ईश्वर को मान लें, तो आपके और आपके सम्राट के जीवन और आत्मा पर छाए हुए सारे संकट दूर हो जाएंगे। ये कदापि नहीं हो सकता राजकुमार। हे सेनापति, आप अपने लिए जो कहने और सोचने की स्वतंत्रता दिखा रहे हैं, वह स्वतंत्रता को मेरे लिए उचित नहीं समझते? यह तो अन्याय है ना? मैंने संदेश सुना दिया, मेरा उत्तरदायित्व तो पूरा हो गया। मैंने संदेश सुन लिया, मेरा उत्तर भी पूरा हो गया। भगवान हिरण्यकश्यप का यह आदेश है कि यदि आप उन्हें ईश्वर नहीं मानते तो आपको रस्सियों से बांधकर पर्वत की ऊंचाई से फेंक दिया जाए। तो फिर आप प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? अपने भगवान के आदेश का पालन कीजिए। सैनिकों, राजकुमार को रस्सियों से जकड़ दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ले चलो इन्हें। हे कमलनयन, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? एक नन्हे से बालक को मृत्यु दंड? दुष्ट हिरण्यकश्यप ने पुत्र प्रहलाद को पर्वत से नीचे फेंक देने का आदेश दिया है, और धूर्त सेनापति अश्वमित्र उस आदेश का पालन करने जा रहा है। हाँ महादेवी, मूर्ख हिरण्यकश्यप ने जब से स्वयं को ईश्वर घोषित किया है, समझने लगा है कि प्राणियों का जीवन और मरण उसी के हाथ में है। किंतु हे दया सिंधु, यदि मेरे पुत्र को पर्वत से सचमुच नीचे फेंक दिया तो उसका कोमल तन चूर चूर हो जाएगा। नहीं प्रिय, यदि जीने की इच्छा प्रबल हो तो जीवन के निकट जाते मृत्यु के पांव भी डगमगाने लगते हैं। परंतु हे दया सागर, अश्वमित्र के पंजे से उसे कौन छुड़ाएगा? उसका जीवन कौन बचाएगा? उसका विश्वास महादेवी, उसका दृढ़ विश्वास। जिस प्रकार सूर्य के रहते रात्रि का साहस नहीं कि वो दिन के निकट भी जाए, उसी प्रकार आपके पुत्र प्रहलाद के दृढ़ विश्वास के रहते किसी विपदा का ये साहस नहीं कि वो उसे छू भी सके। उसका यही दृढ़ विश्वास उसके जीवन की रक्षा करेगा। उसे पर्वत तो क्या, आकाश की ऊंचाई से भी नीचे फेंका जाए तब भी उसका बाल भी बाका नहीं होगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर है महादेवी, और यही मेरा आपको वचन है। राजकुमार प्रहलाद, मैं आपसे अंतिम बार पूछता हूँ, आप हमारे भगवान हिरण्यकश्यप को अपना ईश्वर मानते हैं या नहीं? हे सेनापति अश्वमित्र, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक बार नहीं अनेकों बार दे चुका हूँ और फिर देता हूँ। नहीं, एक बार नहीं, सहस्र बार देता हूँ, नहीं नहीं नहीं। सैनिकों, ओम नमो भगवते, नीचे फेंक दिया जाए इसे। Bye.